जी करते हैं एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो नई वीडियो शाम के करीब 4 बजे से शुरुआत हो रही है और आज है हमारे गांव में पटवारी दादाजी लोगों के घर में कीर्तन भजन। तो बाकी मैं घर से आ चुकी हूँ उनके घर के लिए और बाकी लोग भी तैयारी कर रहे हैं और ये फूल लेके जा रही हूँ वहाँ पे चढ़ावे के लिए। चलिए जी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ दादाजी लोगों के घर में और यहाँ पे हो रही है कीर्तन भजन की तैयारी। बाकी इन लोगों ने थोड़े आने में लेट कर दिया। सुंदरा वाले अभी आ रहे हो। अरे हमारी किरण बारी है तो बहुत लेट पेट कर रही थी। तो चलिए जी यहाँ पे ना मंदिर की सजावट भी हो चुकी है और बाकी हमारे गांव के और सुंदरा भटाणा के सभी लोग आ चुके हैं। अब भजन कीर्तन की यहाँ पे तैयारी है। बाकी यहाँ पे बुआ जी और दादाजी, दादाजी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है पूछो नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा ये है। आज सब लोगों की वजह से बहुत अच्छा, आज तो और ही अच्छी रौनक है। घर में कीर्तन भजन है तो उससे इससे बड़ी खुशी और है क्या। तो सारे लोग आ चुके हैं। बाकी मैं आज पहली बार यहाँ दादाजी लोगों के घर के अंदर आई हूँ, बाहर से तो मैंने देखा हुआ है। बाकी इस साइड को यहाँ पे है मंदिर, तो यहाँ पे है भाई कुल देवी देवता हमारे पितृदेवों का मंदिर दादाजी लोगों का। तो यहाँ पे आज दादाजी लोगों ने पाठ वगैरह भी किया। तो आज इसी की खुशी में दादाजी लोगों ने अपने पितृदेव इष्ट देव और कुल देवी देवताओं के नाम का यहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन किया हुआ है। तो ये लोग काफ़ी टाइम के बाद घर आए तो इसलिए एक शुभ कार्य होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। अब बाकी यहाँ ये देखो भाई कुकिंग मास्टर, तो यहाँ पे बन रही है पकौड़ी। चाचा जी लोग दोनों यहाँ पे बना रहे हैं पकौड़ी। तो ये पकौड़ी बन रही है कीर्तन मंडली वालों के लिए और साथ हमारे पूरे गांव वालों के लिए जो भी यहाँ पे शामिल हो रखे हैं। तो चाचा जी कैसा लग रहा है आपको पकौड़ियाँ बनाते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके घर में कीर्तन भजन का आयोजन किया है आप लोगों ने तो अच्छा ही लगेगा, है ना? नहीं नहीं, खैर वो तो है, सही बात। आज मैं पूजा भी करी, पाठ भी हो गया, बस चलो। आप लोगों के आने से बिल्कुल माहौल चेंज हो गया घर का, है नहीं? हाँ, कल तो रात भर नाच रहे थे हम, कोई दिखाई नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, फुल एंजॉय करो जाती दिन घर में से, तो है कि नहीं यादगार पल? बिल्कुल सही बात है। चलो फिर तुम पकौड़िया बनाओ। भाई हमारे बच्चा पार्टी है, देखो आजकल के बच्चे सारे फोन में लगे हुए हैं। बुआ की तरह पकौड़ी देखी नहीं रहा। बाकी ये देखो भाई, ये है तिवारी, तो कितने खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है डिज़ाइन के साथ। और यहाँ से ना गांव का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ सारे बच्चे तिवारी में बैठे हैं और बाकी सारे लोग महिलाएं यहाँ पे चौक में बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे कीर्तन भजन की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब शुरुआत होनी बाकी है। तो चलिए जी यहाँ पे ना भजन कीर्तन की तैयारी हो चुकी है। ढोलक मास्टर हमारी चाची जी बनी हुई है, बाकी हमारे चाची बोटी और मेरी माँ सब लोग नीचे दीवार में बैठे हुए हैं और चौक में बैठी हुई है हमारी बेटी बारियाँ भाभियाँ जो है मतलब। और यहाँ पे टीका लग रहा है अभी, अब तैयारी है यहाँ पे कीर्तन भजन की। Bye.
तो चलिए जी, यहाँ पे ना भजन कीर्तन के बाद आरती शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आज ना माहौल काफी अच्छा बना हुआ है। और भोग लगाने के बाद यहाँ पे अब चाय और पकौड़ियों का आनंद लिया जा रहा है और बाकी माहौल तो काफी खूबसूरत आप लोगों को दिख ही रहा होगा। लग रही है चाँचड़ी और चौक की काफी शोभा बढ़ी हुई है, काफी सुंदर यहाँ पे लग रहा है। चौक छोटा हो गया और लोग ज्यादा हो गए, इसलिए दो सर्कल्स बना रखे हैं, तो काफी रंगत आई हुई है। बहुत रौनक पटवारी भवन में खुशियों की बौछार, देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये देखो अभी शाम के टाइम पे लाइटें जली हुई हैं, बारी कितनी अच्छी लग रही है। बाकी ना सारे लोग जा चुके हैं, हम कुछ कुछ यहाँ पे निकम्मे निकम्मे बचे हुए हैं, जो कहीं से मतलब जल्दी घर नहीं जाते, सबसे लेट जाते हैं। और हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे हमारी बुआ जी है, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे हमको, तो हम कैसे जाएंगे। बुआ जी है और हम गांव में सबसे अच्छे बोले, साथ में इस तरफ से नूतन राणा भी है। तो वही यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पटवारी दादाजी लोगों की फैमिली में सभी सपोर्टर है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और मुझे मतलब मैं सबको तो नहीं जानती, लेकिन एक चाचा जी धीरू चाचा जी हैं नीलू बुआ के छोटे भाई, तो वो अमेरिका से मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको भी खास धन्यवाद देती हूँ मैं। तो मेरे को पता नहीं था, ये नीलू बुआ जी लोगों ने मुझे बताया, तो चाचा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में बैठे हैं और आप ही के घर में बैठ के आज हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और बाकी अभी ना दोबारा चाय पीने की तैयारी हम लोग
लोगों की, और काफी अच्छा लगा और रौनक आई हुई है यहाँ पे। ये देखो भाई, दोबारा चाय लेके आ गई गुनगुन। तो गुनगुन काफी काम कर रही है घर आके, काफी किसान हो गई। तो भाई अब हो चुकी है हम लोगों के जाने की तैयारी, और हमारी बुआ जी ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन एक भी कदम ना नाचा ना गाया, लेकिन इंजॉय किया है ना। बाय बाय चाचा जी, बाय। तुम अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उन्हें भी फुल इंजॉय किया। और आगे बढ़ाते रहेगा। आप मम को डाल रहे हो? मामा को? हाँ, ये हमारा नानी का घर है। अच्छा, नानी के घर में। चलो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत रौनक यहाँ पे आई आप लोगों के आने से और सब लोगों के आने से। चलो ठीक है दादाजी, धन्यवाद। आपका भी बहुत